में एक नई नवेली दुल्हन ने सुहागरात पर अपने ही पति और उसके दो साथियों पर सामूहिक बलात्कार यानी गैंगरेप करने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला इटावा जिले के थाना चौबिया के परौली नारायणपुर से सामने आया है, जहां 28 नवंबर को ही गांव के एक युवक की शादी हुई और दूल्हा 29 तारीख में दुल्हन को विदा कर अपने साथ ससुराल ले आया और उसके बाद घर में खुशी का माहौल था। दुल्हन के अनुसार कमरे में आए उसके पति ने एक गोली खाई और दूसरी टेबलेट दुल्हन को खिला दी, जिसके बाद दुल्हन बेहोश हो गई। दुल्हन के अनुसार देर रात जब उसकी नींद खुली तो उसके पेट में दर्द हुआ और उसी दौरान उसने देखा कि दो युवक कमरे से बाहर जा रहे हैं। पीड़िता के अनुसार जब उसने आप बीती ससुरालियों को सुनाई तो ससुरालजन ने दुल्हन के चरित्र पर ही उंगली उठा दी। हालांकि ये बात और आगे बढ़ती उसी दौरान नवविवाहिता की हालत बिगड़ने लगी और आनन फानन में उसे जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां महिला का इलाज जारी है। वहीं इस मामले में पीड़िता व उसके मायके पक्ष ने पुलिस को गैंगरेप की शिकायत देकर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रिया और डॉली बैसौली घाट, घटना ये हुई है कि पहले मुझे नींद की गोली नहीं, शादी हुई कब? शादी 28 तारीख को, 28 नवंबर, हाँ 28 नवंबर को हुई हमारी शादी, 29 तारीख को विदा भाई। हाँ, कहाँ पे शादी हुई आपकी? परौली। अच्छा, परौली में कौन सा थाना है? कौन सा? चौबिया। अच्छा, और उस 12 बजे रात के, 12 बजे के पहले रात के उनके साथ दो लोग थे, उनके दोस्त थे दो लोग उनके साथ, उन लोगों ने हमारे साथ बलात्कार किया। पहले हमें नींद की गोली खिला दी, फिर हमारे साथ बलात्कार किया, तब मुझे होश आया, मैंने दो लोग करते हुए देखा और मैं बेहोश हो गई एकदम, और फिर मुझे 12 बजे होश आया, मैंने पूछा उनसे, वो मुझे मारने लगे, उन्होंने मुझे मारा, मौत दाब दिया, गला मसक दिया और कहने लगे कि ये क्या बातें कर रही हो, तुम सो रही थी, तुम्हारे साथ ये हो गया, मम्मी को लेवाने चले गए, मम्मी को लेवा के ले आए, फिर कहने लगे मम्मी देखो हम पे झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, सो रही थी ये, झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, कह दिया 5 महीने का बच्चा है, इसने दवा खा रखी है, ये गांव वाले ये सब कहने लगे, नहीं ले गए मुझे, पूरी रात मैं तड़पती रही और कल भी तड़पती रही, शाम के लेके 2-2.5 बजे गई, तब मुझे अस्पताल लेकर आए। हाँ, मैंने बताया था, कोई मेरी बात मानने को नहीं हुआ, मेरी बात लगने नहीं दी किसी ने। हाँ, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं किसी और का बच्चा है, और ससुराल वाले कह रहे हैं संजय नाम का, संजय को जो रखती थी उन्हीं का बच्चा है, और मैं किस और वल्टा सावन हुआ तो उसमें बच्चा अच्छा निकला, चले गए, कल से आए नहीं, देखने नहीं आए कि मेरी तबीयत ठीक है कि नहीं, और जा कह रहे थे कि मेरे लड़का की ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुमने, तुम ऐसा करने तो पहले ही तुम बता देती हमें, ऐसा ना हो तो हमारे संगे, और फिर वे कह लेंगे कि कहू और को बच्चा है, कल मम्मी को बताया कि संजय नाम का लड़का है उसी का बच्चा है, हमको वही लोग कल लेकर आए थे मम्मी के पास देकर चले गए ना, कल से फिर देखने नहीं आए, अभी आए थे देखकर चले गए, बे आया नहीं हमारे पास, हम ये चाहते हैं कि हम उसके इंसाफ चाहिए हमें, हम उनके साथ नहीं रहेंगे, एक दिन हमें इंसाफ दिलाओ और कड़ी से कड़ी सजा दिलाओ उन्हें। मैंने उन्हें देखा नहीं, मैं बेहोशी हालत में थी, मैं देख नहीं पाई, मेरी एक बार आँख खुली 11:30 बजे मैंने देखा दो लोग कट रहे थे, एकदम मैं बेहोश हो गई, फिर पति, गोली पति भी थे। हाँ, पति ने भी गोली खा रखी थी, उन्होंने भी गोली खाई थी, नीली गोली आती खा रखी थी उन्होंने भी गोली, और शराब पी रखी थी। मीना देवी मेरी लड़की की 28 तारीख को बारात, 28 नवंबर को बारात आई, 29 नवंबर को विदा हुई, उसी रात उसने उसके पति ने दो दोस्तों ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किया, नशे की दवाई खवा दी, अपने भी खाया, इसको भी खिला दिया, उसी की हालत में उसको मारता पीटता रहा और बेड के पाइपों से उसको मारता रहा, और उसके सब नीले सहे पड़े, और इस लड़की को इंसाफ दिलाना चाहिए। ब्लीडिंग एकदम चालू थी लड़की की, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, हद से ज़्यादा लड़की बेहोशी की हालत, एकदम ब्लीडिंग चालू है, मतलब बच्चादानी में चोट आ गई बहुत ज़्यादा। टावा पुलिस को जैसे ही घटना की जानकारी हुई तो आनन फानन में पुलिस के आला अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे और पीड़िता के बयान के आधार पर मामले की जांच में जुटे हैं, जबकि पुलिस ने पीड़िता और उसके परिजनों को आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है। अभी शाम को करीब 6 बजे इंस्पेक्टर इकदिल को एक मेमो प्राप्त हुआ था जिला अस्पताल से, जिसमें ये आरोप लगाए गए थे कि लड़की एक भर्ती है जिसने ये बताया है हॉस्पिटल में कि उसके साथ बलात्कार हुआ है।
इस सूचना पर तत्काल सभी अधिकारी यहाँ पे आए, तो जो तथ्य संज्ञान में आए हैं वो इस प्रकार हैं। 28 तारीख में बैसोली घाट एक गांव पड़ता है थाना एकदिल क्षेत्र में, वहाँ की एक लड़की की शादी थाना चोबिया क्षेत्र में हुई थी 28 तारीख में। शादी होने के बाद 28 तारीख में 29 में बारात विदा हुई और 29 तारीख में ही रात में 2 बजे जिस लड़के से शादी हुई थी उस लड़के का अपने ससुर के पास फोन गया और ये बताया कि लड़की की तबीयत काफ़ी ख़राब है और उसे अस्पताल लेके जा रहे हैं, तो जनपद इटावा में ही एक अस्पताल में भर्ती करा दिया था ससुराल पक्ष ने, वहीं परिजन भी पहुंच गए थे। उसके बाद आज दिन में करीब 2 बजे जिला अस्पताल लेके आए हैं, तब इन्होंने ये तथ्य बताए हैं। इसमें जो तहरीर लड़की के पिताजी की तरफ से दी गई है उस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो पीड़िता है उसका मेडिकल कराया जा रहा है, इस समय हॉस्पिटल में ही है और इनके मेडिकल के आधार पर और सभी लोगों से अभी इसमें पूछताछ भी की जा रही है। कुछ लोग जिनके बारे में बताया गया है उन्हें भी पुलिस द्वारा टीम भेजी गई है, प्रयास किया जा रहा है कि उन्हें भी पकड़ा जाए तथा इसमें जो भी तथ्य संज्ञान में आएंगे विवेचना में उसके आधार पर कठोरतम कार्रवाई की जाए। टाइम 24 न्यूज़ के लिए इटावा से अरविंद सिंह की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।